नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लेके आए हैं दिल्ली की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली में पाक अधिकारी को महिला से बहस करना पड़ा भारी, मांगनी पड़ी लिखित माफी। दिल्ली में कमान संभालते ही बोली शीला दीक्षित, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे केजरीवाल, आपने कहा वाराणसी से मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। एक 10 रुपए के नोट का लालच देकर एक महिला से ठग के लिए 20 लाख। दिल्ली मेट्रो से ज्यादा बिजली खाएगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, बिछ रही है स्पेशल लाइन। घने कोहरे वाली चादर में नहीं सिमटी दिल्ली, ठंड में शिमला को भी छोड़ा पीछे। दिल्ली पुलिस के सिपाही के बेटे ने तोड़ी डॉक्टर की नाक, सफदरजंग के 1600 रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। दिल्ली में 6000 फैक्ट्रियों पर गिरेगी सीलिंग की गाज, निगम ने कसी कमर, तैयारियां पूरी। दिल्ली में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के दर्ज मामले हुए दोगुने। दिल्ली में रोडवेज में नाइजीरियाई ने युवक के गाल को काटा और मांस का टुकड़ा अलग हो गया। सीएम केजरीवाल की बेटी को मिली धमकी पर महिला आयोग सख्त, पुलिस से पूछा क्यों नहीं हुई अभी तक गिरफ्तारी। फुल्का ने भाजपा में शामिल होने के कयासों पर लगाए विराम और कहा नहीं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। नोएडा की सोसाइटी में दरिंदगी, मालकिन ने गर्म चिमटे से किशोरी का मुंह जलाया। 26 जनवरी की परेड में पहली बार महिला स्वाट कमांडो। जेएनयू नारेबाजी, कन्हैया कुमार समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट तैयार। दिल्ली नोएडा में 70 रुपए लीटर से महंगा हुआ पेट्रोल। मतदाताओं को मोदी सरकार की वास्तविकता बताएगी आम आदमी पार्टी। नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए बजरंगबली के दरबार पहुंचे मनोज तिवारी। 1984 सिख विरोधी दंगा, सज्जन कुमार की याचिका हुई खारिज और ये बड़ी खबर सामने आई। तो ये थी दिल्ली एनसीआर की 20 बड़ी खबरें। कल हम फिर आएंगे कुछ राज्यों की बड़ी खबरें लेकर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।